चलो। क्या हुआ सना, तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ यार, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी ट्रैकिंग में तो ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती ही रहती है ना। अरे यार, मेरा तो ये खूबसूरत जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा शहर। पर चलना तो पड़ेगा ना, हम लोग जिंदगी भर तो यहाँ रुक नहीं सकते। अब जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है यार, ना कोई बस ना कोई आदमी। हाँ, कितना सन्नाटा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, हम हैं ना सब। क्या हुआ? यहाँ पर बस के टाइमिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यार। अब क्या करें? चलो उससे पूछते हैं। अरे बॉस, ये अगली बस कब जाएगी? अब बस नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? आखिरी बस चली गई है, अब कोई बस नहीं आएगी। अरे कल सुबह के पहले कोई तो बस आएगी ना, आप सिर्फ हमें बस जाने का टाइमिंग बताइए। कल सुबह के पहले और कोई बस नहीं है, जाओ जाओ, चले जाओ वापस। मैं तुम लोगों से कह रहा था ना कि कल ही यहां से वापस चलते, बस के टिकट्स भी थे हम लोग के पास, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर एक और दिन रुकना था, अब भुगतो। अरे तू क्या रोता है यार, हम लोग एक और दिन यहाँ पर रुक जाते ना, तू टेंशन क्यों लेता है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक ढाबा है, इन झाड़ियों के पीछे। चलो फिर उस ढाबे पे ही चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ से सीधा शहर जा रहा हूँ। अरे कैसे जाएगा यार, सुबह के पहले कोई बस नहीं है। तो कोई लिफ्ट मांग लूंगा यार, लेकिन कल सुबह से पहले मेरा शहर पहुंचना बहुत जरूरी है। देखो मेरा पैर तो बहुत दर्द कर रहा है, आई डोंट थिंक मैं इतना ज्यादा वॉक कर पाऊंगी। तो तुम लोग नहीं आ रहे हो, ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अरे अरे सुन यार, राहुल राहुल, अरे तू कैसा दोस्त है यार। अरे बॉस, लिफ्ट 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 लिफ्ट, अरे मुझे भी साथ में ले चल यार। लिफ्ट 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 लिफ्ट, ये भी नहीं रुक, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लगता है मैं अकेला पागल नहीं हूं यहाँ पर, ये एक और है लिफ्ट की तलाश। अरे बॉस 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 बॉस, तुम भी शहर की तरफ ही जा रहे हो ना, यहाँ पर लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे तो इतनी देर हो गई है कि। तो बस में चले जाओ। बस में? आखिरी बस कब की निकल चुकी है, अब कल सुबह से पहले कोई बस नहीं है। और क्या है ना कि मेरा सुबह से पहले शहर पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये पूरे रास्ते। एक बस और भी है। एक बस और? कहां? मैं अभी तो यहां पीछे से आया, कोई लिफ्ट मांग रहा था कोई। अरे बॉस रुको, अरे उस बस का पता तो बताते जाओ। अरे बॉस बॉस, अरे बॉस बॉस, अरे रुको मैं भी आ रहा हूं यार, मुझे भी तो वही बस पकड़नी है। अरे ये कहां चला गया? अरे यार मुझे भी साथ ले जाता, मुझे भी वही बस पकड़नी थी। यहां तो आने जाने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या, घने जंगल में इतनी रात को राशन की लाइन लगी हुई? अरे कहीं वो बस यहीं से तो नहीं जाने वाली? अरे अरे बॉस, तुम्हें कितनी आवाजें थी, तुम रुके ही नहीं यार। हेलो, अच्छा छोड़ो, वो
वो बस यहीं से जाने वाली है क्या? कमाल है, कुछ बोल ही नहीं रहा, इतना एटीट्यूड दिखा रहा। ये तो बस की आवाज है, लेकिन ये बस आ कहां से रही है? अरे चलिए चलिए, आगे चलिए, बस में चढ़िए। कमाल है, कोई हिल क्यों नहीं रहा है? अरे बॉस, मैम, आगे चलिए ना, बस में चढ़िए। अरे चलो ना यार, तुम भी तो भाग के आए। छोड़ो यार, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई बस आएगी। चलिए आप लोग भी आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ यार, मैं आ रहा हूं। अरे छोड़ो यार, मैं अकेला ही जाता हूं। कमाल है, मेरे अलावा और कोई बस में चढ़ा ही नहीं। ये क्या पूरी बस खाली? ये बस शहर तो जाएगी ना भैया? डरो मत, ये बस तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचा देगी। अभी अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अभी ये। हाँ ओके, वो सीट तुम्हारे लिए नहीं है, वो भी तुम्हारी नहीं है। कमाल कर रहे हो यार, पूरी बस खाली है, तुम कह रहे हो ये सीट तुम्हारी नहीं है, ये सीट तुम्हारी नहीं है। क्या क्या सीट नंबर क्या है मेरा? सीट नंबर 27 तुम्हारे लिए है। 27, पूरी बस खाली पड़ी और 27, 27। ये सारी खिड़कियां क्यों बंद रखी यार तुमने? यार ये खिड़की खुल क्यों नहीं रही है? छोड़ो यार, ये क्या गीला है यार? ये सीट गीली क्यों है यार? ये पानी, खून, टिकट। मुझे घर नहीं जाना, मुझे बस से उतारो, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बस नहीं। यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ सना, किसका फोन नहीं लग रहा है? यार राहुल का, कब से बंद आ रहा है? अरे नेटवर्क नहीं होगा या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। कल रात का निकल चुका है, अब तक तो घर पहुंच ही गया होगा वो। एक मैसेज तो कर ही सकता था ना। चल ठीक है यार, जब तू उसको मिलेगी ना तो उसके कान खींच देना, ठीक है? मुंबई मुंबई मुंबई। चलो अगर ये बस भी छूट गई ना तो आज भी हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। चलो चलो मुंबई मुंबई मुंबई।
हेलो जी जी, नमस्ते आंटी। हाँ, राहुल हमारे ही साथ था क्या? वो अब तक घर नहीं पहुंचा? लेकिन वो तो कल रात ही निकल चुका था आंटी। हाँ, वो तो लिफ्ट लेकर आने वाला था। आंटी आप घबराइए नहीं, उसका इंटरव्यू था ना, तो शायद वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गया हो। जी हाँ आंटी, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं उससे कह दूंगी कि आपको कॉल करे। जी जी। कमाल है, राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा। सना, ये तो राहुल की आवाज है, लेकिन राहुल यहां कैसे हो सकता है? मैं तो अभी अभी आई हूं। राहुल, राहुल तुम अंदर हो क्या? सना, राहुल देखो ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे डर लग रहा है। राहुल कहाँ हो? सना, राहुल तुम हो? राहुल वहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना प्लीज। तुम घर क्यों नहीं गए? पता है आंटी बहुत परेशान थी, तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था। रात होते ही तुम्हें कुछ आवाजें सुनाई देंगी, उनका जवाब मत देना। आवाजें? कैसी आवाजें? उनकी तरफ मत जाना। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं, मैंने तो उसकी आवाज सुनी थी। अक्सर लड़कियां लड़कों को वेट कराती, पर मेरा तो पूरा केस ही उल्टा है। इंतजार कौन करेगा? यामिन। प्यार के हिंट्स कौन देगा? यामिन। और प्रपोज कौन करेगा? यामिनी। और ऑर्डर कौन देगा मैडम? यामिनी। मेरा मतलब है मैं। दो कोल्ड कॉफी प्लीज। आप दो कोल्ड कॉफी पीएंगी मैडम? क्यों, नहीं पी सकती? नहीं नहीं, मैं समझा कि एक कोल्ड कॉफी आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए मंगा रही हैं। क्या हुआ सना, तुम फोन पे काफी डरी हुई लग रही थी। बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है विवेक। मैंने राहुल को मेरे घर में देखा। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? तुम समझ नहीं रहे हो, उस रात वहां से निकलने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंचा। मैंने उसे मेरे घर में देखा। तो क्या हुआ, वो अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे घर आ गया होगा? ये कैसे हो सकता है? मेरे घर पे तो ताला लगा हुआ था, तो फिर वो अंदर कैसे गया? और अचानक वो मुझसे कुछ कहने लगा,
और कुछ कहते कहते अचानक गायब हो गया। क्या गायब हो गया? हाँ, और जब मैंने वहां जाकर देखा तो वहां राहुल था ही नहीं, खून था। खून? और जाते जाते उसने मुझे चेतावनी भी दी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन मैं उन आवाजों की तरफ ध्यान न दूं और किसी भी अनजान चीज के पास न जाऊं। आवाजें, अजीब चीज, मुझे लगता है सना जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा है। ये सपना नहीं था विवेक, इट इज ऑल ट्रू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। कहीं ये किसी आत्मा का चक्कर तो नहीं? मुझे जाके उसे बात करना होगा। मैडम, 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 आपकी कोल्ड कॉफी। थैंक यू जी। और कुछ लेंगे मैडम? नो थैंक यू। ओ गॉड। अरे क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे? यहाँ पे एक लड़की बैठी थी साना, उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने गायब हो गया और उसे चेतावनी देकर गया। क्या? हाँ, मुझे लगता है कोई आत्मा का चक्कर है। आत्मा का चक्कर? शायद सना के बारे में यहाँ पर कोई जानता होगा। सुनो। हाँ सर। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी सना, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? सना मैम जी, वो तो पास वाले बिल्डिंग में ही रहती हैं, वो पिकॉक टावर में। पिकॉक टावर जी। चलो, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। पर वो वेटर ने तो यही एड्रेस बताया था। जरा सुनिए जी। कहिए। क्या सना यहीं पर रहती है? जी हाँ, पर आज सुबह से वो घर पे नहीं है। क्या, आज सुबह से सना घर नहीं आई? हाँ, कल वो आई थी काफी दिनों के बाद, पर मैंने तो आज सुबह से ये घर पे ताला लगा हुआ देखा है। कोई बात? नहीं, थैंक यू। हाँ, इट्स ऑल राइट। थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं, शायद वो वापस आ जाए। विवेक, मैं अपने घर वापस नहीं जाने वाली, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो राहुल की आत्मा वापस आ गई तो। हाँ सना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं विवेक, तुम समझ नहीं रहे हो, वो राहुल को कुछ हो गया है, वो मैंने वहां खून देखा, राहुल का खून। सना, तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है, इस बारे में हम कल सुबह बात करेंगे, ओके? अब तुम सो जाओ। विवेक प्लीज, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो वापस आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना सना, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? तुम सो जाओ।
ये बस यहाँ कैसे? ड्राइवर कहाँ चला गया? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? तुमसे कहा था ना, आवाजों का जवाब मत देना, किसी अनजान चीज की तरफ मत जाना, बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आगे बढ़ बैठना, प्लीज मुझे छोड़ दो।
ये बस कहाँ गायब हो गई? और सना, सना वो कहाँ चली गई? कहीं बस के साथ सना भी? हर्ष, सना गई तो आखिर गई कहाँ? वो अपने घर भी नहीं लौटी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना। सना का एक दोस्त भी गायब हो गया यामिनी, हो सकता है इन दोनों की गायब होने की वजह एक ही हो। हर्ष, ये तो वही लड़का है जो सना के साथ था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तू रात तक नहीं रुक सकता था? मैं जानता हूँ सुनील, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। ये घबराया हुआ लग रहा है, कुछ हो तो नहीं गया? कल रात को सना को राहुल दिखा था अपने घर पे, तो पर जब वो वहां पर गई तो राहुल था ही नहीं, फर्श पर सिर्फ खून पड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सुनील, इसलिए कल रात वो मेरे घर आ गई, उसे अपने घर में रहने से डर लग रहा था। ओह, इसीलिए सना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये सना का भी ना दिमाग खराब हो गया है। वो है कहाँ पर अभी? वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब? सना गायब हो गई है। गायब हो गई है? गायब हो गई मतलब? देख, तू साफ साफ बता, हुआ क्या? कल रात मेरे घर एक बस आई थी सना को लेने, और वो बस सना को लेकर गायब हो गई। बस? ये लोग किस बस के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें खजान में लिया थे शायद उस ट्रेन की तरह, ये बस भी एक आत्मा हो सकती है। मतलब ये कि सना को पहले राहुल दिखा अपने घर पे, लेकिन जब वो वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खून था। इसलिए वो डर के तेरे घर पे आई रात को रहने के लिए, और फिर तेरे घर पे एक अजीब बस आके उसको लेकर गायब हो गई। एग्जैक्टली। देख, या तो तू पागल हो गया या तो सना पागल हो गई। मैं जा रहा हूँ। सुनील रुक जा, सुनील चलो। सैंटा क्रूज। सुनील रुक जा सुनील, तू मेरी बात तो सुन। अरे तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना। क्या हुआ यार, तुम तो डरा हुआ क्यों लग रहा है? वहां पर राहुल और सना खड़े। कहां पर यार? वहां तो कोई नहीं है। वहां पर खड़े दिखाई नहीं दे रहे। अरे कहां पर? मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता? अभी वो दोनों खड़े। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, ओके? रिलैक्स, कुछ नहीं होगा विवेक, डोंट वरी, ओके? चल बाय। विवेक। कौन हो तुम लोग? तुम्हें सना दिखाई देती है ना? हाँ, देखी, अभी देखी, वहां पर खड़ी थी, बहुत बुरी हालत में थी वो। क्या हुआ था सना के साथ? उसे वो बस लगी, मार देगी उसे वो। बस? कौन सी बस? वो मनु बस, वो उसे लगे, उसे मार दिया उसने। कल रात मेरे घर भी आई थी वो मनुष्य बस। सना के साथ तुम्हारा एक दोस्त भी था ना? राहुल, वो भी अभी खड़ा था वहां पर, उसने भी मार दिया उस बस पे, उसने भी मार दिया, उसे भी लेके गई वो बस। विवेक, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे राहुल के साथ क्या हुआ था? मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। राहुल का एड्रेस हमें दो, हम पता करेंगे कि उस मनुष्य बस की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। राहुल, विद्याधर नगर 7/270। विवेक, हम राहुल के घर जाने वाले हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? पागल हो गए तुम लोग दोनों, मौत मेरे पीछे पड़ी है, मैं मरने वाला हूँ, मैं नहीं आऊंगा, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं। विवेक,
मेरा बेटा राहुल, वो तब से घर वापस नहीं आया जब से वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गया था। मैं खुद चिंता में मरी जा रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ। कौन दोस्त है वो, आप जानती हैं उन्हें? वो एक सना, विवेक और सुनील, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो तो पहले ही निकल गया घर वापस आने के लिए। लेकिन अगर वो वहां से निकल गया है तो घर वापस क्यों नहीं आया? घबराइए नहीं, वो वापस आएगा, हम ढूंढेंगे उसे। आंटी, क्या आपके पास विवेक का नंबर है? विवेक का नंबर? ये मैं से फोन करता हूं। मैं तो ऐसे बाहर ही नहीं जाऊंगा, फिर देखता हूं कैसे ऊपर से नहीं आती। किसी का फोन नहीं उठाऊंगा और कहीं बाहर भी नहीं जाऊंगा। नहीं, क्या हुआ? पता नहीं, विवेक फोन नहीं उठा रहा। Right. चलो विवेक, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए। मैं नहीं आऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे नहीं आना। मैं नहीं आऊंगा। Come on.
राहुल अब तक घर नहीं पहुंचा, सना भी घर नहीं पहुंची, और अब ये विवेक, विवेक फोन नहीं उठा रहा। ये प्रॉब्लम दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है यार। इस सुनील को फोन करके देखते हैं, शायद वो अपना फोन उठा ले। आंटी, क्या आपके पास सुनील का नंबर है? हाँ, उसी डायरी में लिखा होगा। अरे आ रहा हूँ यार। हेलो सुनील, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। कौन हर्ष? मुझे तुम्हारा नंबर राहुल की मम्मी ने दिया है। ओह, राहुल की मम्मी ने? अच्छा अच्छा, क्या हुआ? सुनील, तुम राहुल और अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गए थे ना? हाँ, गया था। तो क्या वहाँ पर कोई हादसा हुआ था या कोई अजीब घटना हुई थी तुम लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? दरअसल राहुल और सना गायब है, उन दोनों का कोई अता पता नहीं, और अब तो विवेक भी अपना फोन नहीं उठा रहा है। क्या, विवेक अपना फोन नहीं उठा रहा है? अरे लेकिन अभी अभी तो मैंने विवेक से फोन पे बात की, वो राहुल और सना दोनों को लेकर मुझसे मिलने आ रहा है। क्या, विवेक तुमसे मिलने आ रहे हैं? कहाँ पर? अरे मेरे घर पर। और कहाँ पर? देखो सुनील, सुनील तुम्हारी जान को खतरा है। What? हाँ सुनील, मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर का एड्रेस दो, अभी इसी वक्त। हमें अभी इसी वक्त सुनील के घर जाना होगा, चलो। सुनील, सुनील, सुनील! ये सुनील जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? मैं लाइट ऑन करता हूँ यार, बहुत अंधेरा है। लगता है बिजली चली गई है। सुनील, 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 पहले हमारी फोन पे बात हुई थी। छोड़ो सुनील, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। सुनील, सुनील बात क्या है? विवेक, विवेक, सना और राहुल तीनों मर चुके, उनकी उनकी आत्मा आई थी अभी यहां पर, वो तीनों बहुत जख्मी थे, उनके उनके चेहरे पूरे सफेद हो गए थे। हर्ष, यामिनी, क्या हुआ यामिनी? हर्ष, खून, खून, इसी इसी खून से आए थे वो तीनों, यहीं से आए थे। इसीलिए तो हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि उस बस का अगला शिकार तुम हो सकते हो। सुनील, बस
क्या होगा? देखो देखो मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हमें बताओ कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऐसा क्या हुआ था उस ट्रैक पर जिससे तुम्हारे तीनों दोस्त मारे गए? ट्रैक पर तो हमने बहुत मजा किया, वहां पर तो कुछ नहीं हुआ था, बस आखिरी दिन राहुल को। क्या हुआ राहुल को? राहुल को शहर जाने की बहुत जल्दी थी, वो अकेला ही चल पड़ा। वहां पर एक भिखारी था, उसने बताया भी। आखिरी बस चली गई है, पर फिर भी वो नहीं माना और हम सबको छोड़ के वो अकेला ही चल पड़ा। मतलब कि सब की शुरुआत तब हुई जब राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। कौन सी जगह ये जहां से राहुल तुम लोगों को छोड़कर चला गया? रहमतपुर बस डेपो। इस सब की शुरुआत तब से हुई जब से वो राहुल अपने अलग रास्ते निकल गया, वो बस पकड़कर। न जाने उसके साथ क्या हो गया होगा कि उसके सभी दोस्त भी मुसीबत में पड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, इस बस डिपो के स्टाफ वालों से पूछते हैं, जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो यार भोला, सोमवार रात को जो बस का एक्सीडेंट हो गया था ना, उसमें कई मासूम जाने चली गई। उस बारे में अगर सोचता हूं ना तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। वाकई बड़े अफसोस की बात है, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि उस बस में तो 30 लोग थे ना। हाँ, लाश तो सिर्फ 26 लोगों की मिली, क्या 4 लोग जिंदा बच गए? अगर जिंदा बचते तो कम से कम सामने तो आते, लेकिन उनका तो कुछ पता ही नहीं चला। ये किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं आप लोग? सोमवार रात को जो बस का हादसा हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा ही बुरा हादसा हुआ, कोई भी जिंदा नहीं बचा साहब। पर आप किन्हीं 4 लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना जिनकी लाशें नहीं मिली? जी हाँ, बस 30 सीटों वाली थी, सभी टिकटें बिक चुकी थी, लेकिन लाश तो सिर्फ 26 लोगों को ही मिली है। जिन 4 लोगों की लाशें नहीं मिली, क्या आप उनके नाम जानते हैं? नाम तो हमें नहीं पता। शुक्रिया। कहीं राहुल इसी बस में तो नहीं चढ़ गया? मुझे भी यही लगता है। एक्सीडेंट हुआ था सोमवार की रात को और मंगलवार को राहुल बस की आत्मा में बैठा था। लेकिन राहुल ने बस पकड़ी कहां से होगी? कोई तो अड्डा होगा इस बस की आत्मा का। तुम लोगों को याद है सुनील ने हमें एक भिखारी के बारे में बताया था? अरे हाँ यार, और उस भिखारी ने कहा था कि इतनी रात को यहाँ पे बस नहीं मिलेगी, है ना? कहीं उस भिखारी ने देखा हो राहुल को कहीं जाते हुए जहाँ से उसे वो बस मिली। ढूंढते हैं उस भिखारी को, वो जरूर यहीं कहीं होगा। बाबा, क्या मंगलवार रात को 4 दोस्तों ने आपसे किसी बस के बारे में पूछा था? हाँ, पूछा था, पूछा था। उनसे मैंने कहा था कि इतनी रात को कोई बस नहीं मिलेगी। तिन्ने तो मेरी बात मान ली, पर एक ने। क्या हुआ उसे का? उसकी जिद खा गई उसे, वो अकेला ही निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जो उसे शहर की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ ले गया। कहां है वो रास्ता? हमें वहां जाना है। ये
ये जगह इतनी सुनसान है, क्या तुम दोनों को लगता है कि वो बस यहीं पे आती होगी? उस भिखारी ने तो यही कहा था कि राहुल इसी रास्ते से आया था। ये रोशनी कैसी? बस आ रही है। बस? ये बस यहाँ क्यों रुकी हुई है? वो देख, ये सब तो आत्माएं हैं। शायद ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। ये सब बस में क्यों चढ़ रहे? चलो चलकर देखते हैं। वो सना है ना? सना? शायद इस बस की आत्मा ने इसे भी मार दिया है और विवेक को भी मार दिया। वो देखो विवेक, एक मिनट, उस रात जब इस बस का एक्सीडेंट हुआ था, चार लोग इस बस में नहीं चढ़े थे और ये भी चार दोस्त थे। सना, राहुल और विवेक मर चुके हैं। इसका मतलब है कि सुनील, मैं अभी सुनील को फोन लगा था। हेलो सुनील। हाँ सुनील, राघव बोल रहा हूँ। सुनील, क्या तुम चारों दोस्त ट्रैकिंग से लौटते वक्त क्या कोई बस लेने वाले थे? क्या बस लेने वाले थे लेकिन तुम लोगों ने ली नहीं, एक दिन और एक्स्ट्रा रुक गए थे? सोमवार की रात थी। ओ गॉड, राघव क्या हुआ? हर्ष, ये चारों दोस्त उसी दिन इस बस पे चढ़ने वाले थे जिस दिन इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। पर ये चार चढ़े नहीं और बाकी सब मर गए, इसलिए वो बस वापस आई है उन चारों को अपने साथ ले जाने के लिए मौत की दुनिया में। हाँ, इनकी किस्मत में उस रात मरना लिखा था, पर ये चार तो उस बस में बैठे ही नहीं, इसलिए मौत इनका पीछा करते करते वापस आई है इस बस के रूप में। मतलब कि राहुल, सना और विवेक को मारने के बाद ये बस सुनील को मारने आएगी। चलो जल्दी चलते, सुनील की जान को खतरा है। चलो का एक्सीडेंट जहां पर हुआ था ये बस वहीं गई होगी। चलो बदल सकता। लाशें,
तक सुनील को नहीं बचा पाए यार। हाँ राघव, मौत से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया, ये लोग भी नहीं। हमको इन लोगों के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देना चाहिए, इनके घर वालों को खबर दे देनी चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, इंसान खुद से और अपनी मौत से कभी दूर नहीं भाग सकता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।